कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। क्वेश्चन का लिमिट है इसमें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत घुमा घुमा कर दिया गया है। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ऑन डिमांड तो मैंने अपलोड कर दिया है। आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ में पूरा वीडियो देखना है, इसके बाद में पेशेंस के साथ ही एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लेनी है। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने उसमें ऑलरेडी बता दिया है, तो आप एक बार इसके बाद में अगर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके लिए बहुत इजी होगा उनको सॉल्व करना, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कार्डियक साइकिल का, तो पेशेंट के साथ पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। कार्डियक साइकिल को जब हम देखेंगे तो इसमें हम एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट है एक मिनट में धड़कता है, यानी कि जो हमारी हार्ट रेट है वो 72 बीट पर मिनट है। तो एक साइकिल की ड्यूरेशन अगर हम इससे निकालें तो 0.8 सेकेंड आ जाती है, मतलब 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स है तो 0.8 सेकेंड आ जाती है हमारी हार्ट रेट। अब 0.8 सेकेंड में क्या क्या कैसे हो रहा है हमारे पूरे हार्ट में, ये हम देखेंगे, और इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये दो फॉर्मेट में मैंने बना लिया है, एक तो टेबल की फॉर्मेट में और दूसरा पाई चार्ट के फॉर्म में, तो सभी पढ़ते हैं। तो टेबल के फॉर्मेट में इसे देख लेते हैं। इसको पूरे को आप देखने के बाद में जो एनसीईआरटी की चिकनी चुपड़ी बातें हैं वो इजीली समझ पाएंगे। एक बार से इसको कंप्लीट करने के बाद में एनसीईआरटी जाकर पढ़ लीजिएगा। जो टेबल बनाया हुआ है मैंने, जो 0.8 सेकंड है हमारे, 0.1 सारे मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। एट्रिया के होने वाले इवेंट और वेंट्रिकल के होने वाले इवेंट इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले ये पाई चार्ट हम देख लेते हैं। देखिए हमें कहीं ना कहीं से भी साइकिल है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको जॉइंट डायस्टोल से, मतलब जब दोनों के दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स्ड हैं। हमारा जो हार्ट है बहुत मेहनती है, जैसे कि हम सभी को पता है 72 टाइम्स धड़क जाता है एक मिनट में, लेकिन ये मेहनती है बट स्मार्ट वर्क करता है। काफ़ी टाइम इसका रेस्ट में भी जा रहा है, यानी कि डायस्टोलिक स्टेज में भी जा रहा है। जैसे कि हम देखेंगे जॉइंट डायस्टोल हमारा 0.4 सेकेंड का है, पाई चार्ट को हम आधे में डिवाइड करेंगे, 0.4 सेकेंड हमारा जॉइंट डायस्टोल जाएगा। जिस फिर जो 0.4 हमारा बचा हुआ है इसमें से 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल और 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। इसे डायस्टली और सिस्टली भी कहते हैं बट मुझे तो यही अच्छा लगता है, सिस्टोल और डायस्टोल बोलना। तो देखिए जॉइंट डायस्टोल में होगा क्या, जब दोनों के दोनों हमारे एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हैं। एक साइड का मैंने बनाया, दूसरी साइड भी यही हो रहा है, जो हमारा राइट साइड है हार्ट का लेफ्ट राइट दोनों साइड में यही हो रहा है। देखिए जब ये दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेज में हैं, यहाँ से एट्रिया में ब्लड की फिलिंग होती जा रही है, दोनों एट्रिया में ब्लड की फिलिंग हो रही है। ब्लड की फिलिंग के साथ साथ जैसे कि हमारा भर गया, तो जैसे यहाँ पर हमारे वॉल्स हैं ना, ये खुल जाते हैं और वेंट्रिकल में भी फिलिंग होती रहती है, और ये नॉर्मल होती रहती है। दोनों रिलैक्स हैं, इनमें फिलिंग होती जा रही है। ये तब तक फिलिंग होती रहती है जब इसमें इवेंट्स जो हैं, अब आपको ऐसे आता है कि जो जॉइंट डायस्टोल है उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप बताएंगे एट्रियल फिलिंग हो रही है। एट्रियल फिलिंग हो रही है तो एवी वॉल्व ओपन हो जाते हैं ब्लड की वेट की वजह से, एवी वॉल्व्स ओपन, और फिर पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है, मतलब एट्रिया के बिना कॉन्ट्रैक्शन किए ही वेंट्रिकल की फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं 70% ब्लड हमारा पैसिवली ही इसमें भर जाता है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो ब्लड बचता है, अब ये कहता है इतना सारा तो अपने आप ही भर गया है बट बचा कुचा इसको हमें स्क्वीज करके निकालना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, बलून की तरह से पिचकता है, जिसे हम 0.4 सेकंड के बाद में होता है, जिसे हम एट्रियल सिस्टली या फिर सिस्टोल कहते हैं। इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया, और 30% बचा हुआ ब्लड भी इसमें हमारा आ जाता है, यानी कि इसमें एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। वेंट्रिकल फिलिंग दोनों में होगी, इसमें पैसिव होगी, इसमें एक्टिव होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से होगी। अब हमारे वेंट्रिकल्स फिल हैं, अब जब वेंट्रिकल फिल हुए तो इन्हें लगता है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बहुत देर हो गई आराम किए हुए। आप ये देखिए कि 0.4 सेकंड में तो जॉइंट डायस्टोल था, मतलब दोनों के दोनों रिलैक्स थे, 0.1 सेकंड में एट्रिया ने सिस्टोल किया, लेकिन वेंट्रिकल यहाँ भी रिलैक्स ही है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, जैसे ही ये भर गए वेंट्रिकल ने सिस्टोल करना स्टार्ट किया, जैसे ही वेंट्रिकल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुए तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, उसके लिए ये जो हमारे एवी वॉल्व थे ना, ये धप्प से करके बंद हो गए, और धप्पा आवाज़ नहीं आती, इससे आवाज़ आती है लप, यानी कि एवी वॉल्व जैसे ही क्लोज हुए एक फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज लप। ये बंद हो गए, अब ये बंद है, यहाँ से भी रास्ता बंद है, ब्लड कैसे जाएगा? फिर सेमी लूनार वॉल्व्स को ओपन होना पड़ता है और हमारा ब्लड जो है पुश कर दिया जाता है वेना कावा में, और बॉडी में, और जो हमारा
लंग्स हैं उनके पास में, दोनों एट्रिया में, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल में दोनों साइड सेम प्रोसेस चल रही है। एक साइड का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ से जो एक बार में जो हमारा वॉल्यूम जा रहा है, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, दैट इज 70 मिलीलीटर। एक बार में 70 मिलीलीटर ही हमारा जो ब्लड है वो जाता है। अच्छा, इसमें जो आता है ना, ये 130 मिलीलीटर के आसपास आता है, 70 मिलीलीटर फिर जाता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, 60 कुछ बच जाता है, जो कि अगर फास्ट बीटिंग होती है तो उसमें होता है, ऐसा कुछ है। आपको 70 मिलीलीटर याद रखना है, जो कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सारा जितना हमें ब्लड पास करना था कर दिया वेंट्रिकल ने, अब ये जो सेमीलूनार वॉल्व हैं ये क्लोज हो जाएंगे, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। जैसे ही सेमीलूनार वॉल्व क्लोज होंगे, सेकंड हार्ट साउंड यानी कि हमारी डब प्रोड्यूस होगी। ये कब बंद होंगे? जब इनका कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, यहाँ से ब्लड का वेट बढ़ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एंड होगा हमारा वेंट्रिकल का, सेमीलूनार वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और डब सेकेंड हार्ट साउंड यानी कि हमारा डब प्रोड्यूस होगा। ये हमारी पूरी हार्ट की जो हमारी कार्डिक साइकिल है ये है। इसमें आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल है में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, एट्रियल फिलिंग, एवी वॉल्व ओपन हो रहे हैं और वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है लेकिन पैसिवली। एट्रियल सिस्टली जैसे ही हो रहा है, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, फिर वेंट्रिकल सिस्टली में एवी वॉल्व को क्लोज हो रहे हैं, सेमीलूनार वॉल्व ओपन हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, सेमीलूनार वॉल्व ओपन होते हैं, और यही सेमीलूनार वॉल्व जो है ये एंड में क्लोज हो जाते हैं, जिससे सेकेंड हार्ट साउंड हमारी डब प्रोड्यूस होती है। वॉल्व्स के हमेशा क्लोजर से ही हार्ट साउंड आती है, ना कि ओपनिंग से, ये आपको याद रखना है। गेट जब हम जोर से बंद करते हैं तो आवाज़ आती है वैसे। इसमें देखिए 0.1 आगे के जो 4 सेकंड है दोनों के दोनों डायस्टोल में, यानी कि जॉइंट डायस्टोल है। आगे का जो 0.1 सेकंड है इसमें एट्रिया ने सिस्टोल किया, ये अभी भी डायस्टोल में है, यानी कि पूरी साइकिल में एट्रिया सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए ही सिस्टोल में आता है। बाकी के में क्या होगा, डायस्टोल में आएगा और ये जो है ये सिस्टोल में आएगा। मतलब वेंट्रिकल कर रहा है 0.3 सेकंड के लिए काम और एट्रिया कर रहा है 0.1 सेकंड के लिए काम, बाकी पूरा आराम। हार्ट साउंड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है हमारी, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इधर, और सेकंड हार्ट साउंड हमारी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अब किस सेकंड में हो रही है, ऐसा आता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड में कितना डिफरेंस है, 0.3 सेकंड का। अब वहीं अगर उल्टा आ जाए कि सेकंड और फर्स्ट में कितना है, तो आप देखेंगे 0.5 सेकंड का। यही यहाँ भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, ये और इधर इतना, ये डिफरेंस आप इधर से बता सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल से 70 मिलीलीटर पास हो रहा है, दोनों का मिला देंगे तो 170 हो जाएगा। तो एक का कितना हुआ, ईच वेंट्रिकल है, ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए, वो है हमारा 70 मिलीलीटर। वहीं अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें, तो जितना वॉल्यूम हमारा ब्लड का बॉडी को पास हो रहा है, बॉडी को जितना जा रहा है, वो एक मिनट में ये होगा हमारा कार्डियक आउटपुट। यानी कि एक ही वेंट्रिकल का काउंट होगा कार्डिक आउटपुट। तो जब आप एक ही वेंट्रिकल का कार्डिक आउटपुट काउंट करेंगे, 70 × 72, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास आपका आएगा। तो आपका ये हो गया कार्डिक आउटपुट। दोनों हार्ट का आप कैलकुलेट नहीं, दोनों वेंट्रिकल का आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी से एक ही साइड में जाता है, तो कार्डिक आउटपुट हमारा 5 लीटर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हर मिनट में हमारी पूरी बॉडी का जितना ब्लड है वो हार्ट में घूम कर आ रहा है। अब एक साथ नहीं घूम रहा, 70 ml के फॉर्म में घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है हमारा पूरा एक मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट से गुजरकर वापस से पंप पैक होकर आ जाता है। इसका फोटो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप लोग लिंक से जाकर ले सकते हैं अगर इस पूरे का आपको फोटो चाहिए तो। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में NCERT की वही चिकनी चुपड़ी सी बातें एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। NCERT में भी बस यही इतना ही मेंशन है, बट हाँ थोड़ा सा जो है घुमा घुमा कर दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से आपको अब क्लियर हो जाएगा।